आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा के छठवें रूप की यानी कि माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के मौके पर प्रदेश के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मुंगेली जिले के लोरमी तहसील से 25 किलोमीटर की दूरी पर माँ भुवनेश्वरी देवी का मंदिर भी प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में से एक है। यहाँ लोग दूर दूर से ऊंचे पहाड़ पर विराजमान माँ भुवनेश्वरी महामाया के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लोक मान्यता है कि भुवनेश्वरी देवी डोंगरगढ़ स्थित माँ बम्लेश्वरी का ही रूप है। यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अलावा दूसरी जगहों से भी लोग श्रद्धा के साथ दर्शन के लिए आते हैं। जानकारी जो है, एमपी के बहुत सारे एरिया से लोग यहाँ आते हैं, छत्तीसगढ़ के तो आते ही हैं, और मैं खुद तखतपुर से हूँ और सर लोग जबलपुर से हैं, सतना से, हाटी से, मैहर से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और आस्था है उनकी माता जी की, कहते हैं कि मन्नत पूरा होता है। मंदिर के पुजारी मन्नुदास वैष्णव ने बताया कि आदिकाल से पहाड़ों वाली माँ महामाया देवी का ये स्थान है। आदिकाल से रही से यहाँ महामाया भुवनेश्वरी देवी का स्थान, और जब मोर पिताजी ने यानी नांगा राम रतन दास जी ने स्वप्न दे से मंदिर देवी है, तो यहाँ ज्योति उति जलवा रही से ओकर बाद फिर गांव वाले, फिर आस पास के गांव वाले सब मिलजुल के सबके जन सहयोग से मंदिर बने, वही में फिर यहाँ ज्योति उति भी जलना चालू हुई और मंदिर में पूजा पाठ शुरू से अब वही पूजा करत चले आते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते जाते हैं और सबकी मनोकामना माँ भुवनेश्वरी देवी पूर्ण करती है। माँ भुवनेश्वरी मंदिर समिति डोंगरीगढ़ के सदस्य लखनलाल यादव ने बताया कि यहाँ का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। पूर्व जमाने में यहाँ नगाड़े और शेर की दहाड़ की आवाजें भी सुनाई दिया करती थी। सन 1992 में ग्राम और क्षेत्रवासियों के द्वारा माता भवानी के इस मंदिर का निर्माण कराया गया। का मंदिर का जो पुराने प्राचीन है, पूर्व जमाने में यहाँ पर और नगाड़े का आवाज भी सुनाई देता था, शेर का दहाड़ भी सुनाई देता था। उसके बाद सन 1992 में ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों के द्वारा माता भवानी के मंदिर का निर्माण कराया गया। नवरात्रि के दिनों में यहाँ 9 दिनों तक धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से हजारों भक्त शामिल होते हैं।